अक्सर आपने ट्रेनों में यात्रियों के मोबाइल चोरी होने या गुम होने की खबरें तो सुनी होंगी। जिन रेल यात्रियों का मोबाइल गुम हो जाता था वह GRP में गुमशुदा दर्ज कराकर लोग भूल जाते थे कि अब उनका मोबाइल मिल पाएगा या नहीं, ये उन्हें नहीं पता होता था। लेकिन मुरादाबाद GRP ने बीते कई सालों में आज दिल जीतने वाला काम किया है। SP रेल सुभाष चंद्र दुबे के निर्देशन से यहां की टीम ने 46 मोबाइल अलग अलग शहर और राज्यों से मोबाइल धारकों की पहचान कर आज SP रेलवे के कार्यालय बुलाकर उनको मोबाइल सौंपा। जिनका मोबाइल मिला उनकी खुशी का ठिकाना भी नहीं रहा। मोबाइल मिलने के बाद मोबाइल धारकों ने SP रेल सुभाष चंद्र को पुके देकर धन्यवाद भी दिया। SP रेल सुभाष चंद्र ने बताया कि पिछले 2-2.5 महीने से हम रिकॉर्ड तैयार कर मोबाइल के असली मालिकों से संपर्क किया, जिसके बाद आज करीब 6 लाख कीमती के 46 मोबाइल धारकों की पहचान हुई। जो लोग आज नहीं आ सके उन तक GRP मोबाइल उनका पहुँचाएगी। कुल 46 मोबाइल यहाँ पे बरामद हुए हैं। ये भिन्न भिन्न जगहों से लाए गए हैं। उनमें वही सब मोबाइल सम्मिलित हैं जो गुमशुदगी के रूप में दर्ज किए गए थे। फिलहाल रेलवे में अब आगे से कोई गुमशुदगी नहीं दर्ज की जा रही है। सारी गुमशुदगी को FIR में कन्वर्ट किया जा रहा है, स्टोलन प्रॉपर्टी के रूप में 380 IPC में ही कन्वर्ट करके हम लोग आगे से मुकदमे दर्ज कर रहे हैं। लेकिन पीछे के जो गुमशुदगी के मामले दर्ज थे उनमें ये सारे मोबाइल टीम के द्वारा बरामद किए गए हैं। ये कम से कम पिछले 2-3 महीने की मेहनत का टीम का परिणाम रहा है। और इन सभी लोगों को सूचित किया गया था, उनमें से काफ़ी लोग आए हुए हैं, कुछ के परिजन आए हैं, कुछ लोग जो नहीं आ पाए हैं उनको विशेष वाहन द्वारा भिजवा करके मोबाइल उपलब्ध करा दिया। इन मोबाइलों की अनुमानित कीमत 6 लाख से ज़्यादा है। फिलहाल इसके अलावा भी अभी बहुत सारे मोबाइल और भी मिसिंग हैं, उनके लिए भी अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन उन सारे मोबाइलों को हम लोगों ने चोरी की धाराओं में FIR में कन्वर्ट कर दिया है। ये पीछे के वही मामले हैं जिनमें बहुत पहले गुमशुदगी दर्ज की गई थी। नए क्रम में अब जो भी गुमशुदगी के मामले आ रहे हैं वो सब FIR में कन्वर्ट। सर, मोबाइल बरामदगी के दौरान क्या कोई अपराधी पकड़ा? देखिए, मोबाइल चूँकि गुमशुदगी के रूप में जो दर्ज किया जाएगा, गुमशुदगी के रूप में दर्ज मामलों में कोई अपराधी नहीं माना जा सकता। इसीलिए मैंने बताया कि कोई गुमशुदगी रेलवे में आगे से दर्ज नहीं की जा रही है। ये वो प्रकरण है जो पहले के दर्ज रहे। पिछले 3 माह से गुमशुदगी प्रकरणों को दर्ज करने पर रोक लगा दी। इतने मोबाइल जो बरामद हुए हैं कहाँ से हुए हैं सर? ये भिन्न भिन्न स्थानों से बरामद हुए हैं। देखो, रेलवे में यात्रा के दौरान पैसेंजर्स दूर के होते हैं, उनके सहयात्री दूर के होते हैं, अन्य आने जाने वाले लोग जो उसमें यात्रा करते हैं वो भी भिन्न भिन्न स्थान के होते हैं। तो सारे मोबाइल निश्चित रूप से भिन्न भिन्न स्थानों से बरामद हुए हैं। ये इंटर स्टेट भी बरामद हुए हैं। बहुत सारे मोबाइल अन्य राज्यों से जाकर के पुलिस द्वारा मेहनत करके लाए गए हैं। इंटर डिस्ट्रिक्ट बरामद हुए हैं और कुछ आपके मुरादाबाद और आसपास के जिलों से बरामद हुए। सर, क्या इस प्रकार का अभियान आगे भी चल रहा है? ये मैंने कहा, ये तो जितने भी मोबाइल मिसिंग हैं उन सबको हम लोगों ने FIR में कन्वर्ट कर दिया है। पीछे की ये वो मोबाइल है। अब जो मिसिंग मोबाइल हैं FIR में कन्वर्ट होने के बाद, जैसा सवाल इन्होंने पहले किया, जिनके पास से बरामद होगा वो निश्चित रूप से चोरी के मोबाइल को यूज करने वाले माने जाएंगे और उनके विरुद्ध IPC के संघर्ष सेक्शन के अंतर्गत कार्रवाई होगी।